हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। सर, जिस तरीके से डीआरसी द्वारा रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं, सरकार का कहना है कि कोई दाम जो है उतने नहीं बढ़े और जनता पर कोई जो है बोझ बढ़ने वाला नहीं है। देखिए, ये पूरी तरह से साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। एक बार फिर सिद्ध हो गया है, अरविंद केजरीवाल जनता की जेब पे डाका डाल के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इस फायदे में अरविंद केजरीवाल हिस्सेदार हैं। हमने पहले भी कहा है कि लोगों को यदि सब्सिडी देनी है तो डायरेक्ट उनके खाते में सब्सिडी दी जाए, ना कि कंपनियों के खाते में दी जाए। तो आज जिस तरह से उनकी मंत्री दावा कर रही हैं कि ये जो अतिरिक्त शुल्क जो बढ़ा है वो केंद्र सरकार की वजह से बढ़ा है, तो मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, आखिर ये महंगाई की मार उपभोक्ताओं पर क्यों? ये दोनों लोग जिम्मेवार हैं, ये सहमत का गेम चल रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर कोई दोषी तो अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार दोषी है। फ्री के नाम पर पानी में फ्री बीमारी बांटी जा रही है, बिजली के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, फिक्स चार्ज के रूप में एक अतिरिक्त भार लगाया जा रहा है, तो ये साबित हो गया ये सरकार कुछ निःशुल्क नहीं दे रही, लेकिन हाँ प्रचार प्रसार में जरूर निःशुल्क देने की बात कही जा रही है। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। किस तरीके से एक गाड़ी को, चलती गाड़ी को रोका जाता है टर्नल के अंदर और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। मैंने सैकड़ों बार इस बात को दोहराया है कि दिल्ली देश की जो राजधानी है ये अपराधियों का एक अड्डा बन चुकी है और उसके लिए सीधे तौर पर कोई दोषी है तो केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सरकार अरविंद से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, याद होगा निर्भया के कांड के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, राजनीति की थी। आज दिल्ली के अंदर डेली दिल्ली देश की राजधानी शर्मसार होती है जब बच्चियों के साथ अपराध होते हैं। एक तरफ बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, दूसरी तरफ खुलेआम अपराधी रोड पर रोक करके लोगों को लूटपाट करते हैं। ये जो टनल की जो अभी जो वारदात है ये साबित कर देती है कि लुटिन जोन्स के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के किसी कोने में चला जाइए, खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, तो इसके लिए साफ तौर पर दोषी दोनों लोग हैं। और दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन इसके विपरीत जो परिणाम दिखाई देते हैं खुले तौर पर, ये दिल्ली मैं समझता हूँ अपराधियों को सौंप दी गई। करने के लिए दिल्ली में बिजली का मुद्दा हो या फिर अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कांग्रेस सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र हो और दिल्ली, दोनों को जिम्मेदार ठहराती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।